जानी दुश्मन की नई जंग का आप जिक्र करने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बहुत बड़ी खबर है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर से जहां महायुद्ध की नई आहट शुरू हो गई है। कल रात अजरबैजान ने अर्मेनिया की सीमा के अंदर मिसाइल और रॉकेटों से हमला किया है, जिसके जवाब में अर्मेनिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की खबर है। दावा यह हो रहा है कि अर्मेनिया पर हमले के लिए अजरबैजान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान के कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें इस वक्त एक और युद्ध की ओर तस्वीरें बढ़ाती हुई और तनाव को बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन अगर बीते कुछ महीनों का इतिहास देखें तो उसमें ज्यादा गहराया है ये पूरा मामला। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच और ज्यादा तनाव पैदा करने वाला है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर से ये खबर है जहां महायुद्ध की नई आहट सुनाई और दिखाई पड़ रही है। खबर यह है कि कल रात अजरबैजान ने अर्मेनिया की सीमा के अंदर मिसाइल और रॉकेटों से हमला किया है, जिसके जवाब में अर्मेनिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की खबर है। और दावा यह है कि अर्मेनिया पर हमले के लिए अजरबैजान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और जवाबी कार्रवाई में अजरबैजान के कई सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। तो दो साल के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच दो साल पहले भीषण जंग हुई थी, जिसमें करीब 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये महज संयोग नहीं है या फिर प्रयोग है। दो साल पहले भी दोनों देशों के बीच सितंबर के महीने में ही जंग की शुरुआत हुई थी और तब 29 दिनों तक दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी थी। और उसी के दौरान हम ये तीन तस्वीरें आपको मौजूदा हालात से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी अब एक नई जंग की आहट के तौर पर दिख रही है। मिसाइल से अटैक किया गया है। बॉर्डर पर बारूद, महायुद्ध की आहट, जंग के नए मोर्चे पर नई चिंगारी, युद्ध को फिर तैयार अजरबैजान और अर्मेनिया। करीब दो साल बाद अजरबैजान और अर्मेनिया का बॉर्डर बारूद की आग से सुलग उठा है। करीब दो साल बाद अजरबैजान और अर्मेनिया फिर से आमने सामने आ चुके हैं। करीब दो साल बाद अजरबैजान और अर्मेनिया फिर से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। और इस बड़े खतरे की ये ताजा तस्वीरें महज शुरुआत पर है। देखिए रात के अंधेरे में अजरबैजान की ओर से अर्मेनिया पर मिसाइल हमलों की बारिश शुरू हो गई। हर मिनट सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल अर्मेनिया की सीमा पर बरस रहे थे। इस हमले से पूरा इलाका थर्रा उठा। हमले के इस वीडियो में सैकड़ों की चीखें सुनी जा सकती हैं। मिसाइल हमले का यह वीडियो सोमवार देर रात का है, जब अजरबैजान ने अर्मेनिया की सीमा में रॉकेट और मिसाइलों का मुंह खोल दिया। काफी देर तक अर्मेनिया का बॉर्डर मिसाइल हमलों से थर्राता रहा। इस मिसाइल अटैक की बारूदी तपिश से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव फिर से वहीं जा पहुंचा है, जहां दो साल पहले जंग के बीच दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। ताजा हमले में अजरबैजान ने अपने एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नारगोनो काराबाख के आसपास के शहरों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। आर्मेनिया की ओर से दावा किया गया कि अजरबैजान ने अपने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। आर्मेनिया के जवाबी हमले में अजरबैजान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वैसे अर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर झड़प कोई नई बात नहीं है, लेकिन दो साल पहले ऐसी ही झड़प के बाद दोनों देश जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे।
27 सितंबर 2020 को दोनों देशों के बीच भीषण जंग की शुरुआत हुई थी। ये जंग पूरे 29 दिनों तक चली। जंग में अर्मेनिया और अजरबैजान के करीब 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 29 अक्टूबर 2020 की आधी रात दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। 2 साल पहले सितंबर के महीने में ही दोनों देशों की भीषण जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस बार भी रॉकेट और मिसाइलों के हमले अब सीधे सीधे जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। स्थिति फिर से युद्ध वाली बन चुकी है और कहा जा रहा है कि युद्ध का ऐलान बस औपचारिकता भर रह गया है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच फिर से जंग शुरू हुई तो इसका सीधा असर दुनिया के बड़े देशों पर पड़ेगा। दुनिया के बड़े देशों के बीच खेमेबंदी शुरू हो सकती है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया दो फाड़ में बट जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए मैं आपको एक मैप के जरिए बताती हूँ। दरअसल अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। देखिए कौन कौन देश होगा ये जलाई इस वक्त चल रही है यूक्रेन के साथ, वो होगा अर्मेनिया के साथ। इसके साथ ही मैं जर्मनी का अगर जिक्र करूं तो ये भी अर्मेनिया के साथ खड़ा नजर आएगा। चलिए इधर अजरबैजान का रुख कर लेते हैं। अजरबैजान में सबसे पहले जो साथ देगा वो देश होगा तुर्की और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान भी इस वक्त अजरबैजान के साथ होगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। चलिए एक और देश की बात कर लेते हैं, फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस भी अर्मेनिया का साथ इस युद्ध में देगा, अर्मेनिया का। वहीं ब्रिटेन की भी जानकारी मिल रही है कि ब्रिटेन भी अर्मेनिया के साथ खड़ा होगा। इनके अलावा अजरबैजान के साथ और कौन से देश खड़े होंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब वो देश होगा जो अजरबैजान के साथ खड़ा होगा। और इसके अलावा चीन के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त ताइवान के साथ जिस तरह का तनाव बरकरार है उसमें ये चीन अजरबैजान के साथ खड़ा होगा। साथ ही एक और मुल्क आ जाता है अर्मेनिया का साथ जो दे सकता है, वो है ईरान। ईरान इस युद्ध की परिस्थितियों में, तनाव के दौर में साथ देगा अर्मेनिया को। और अगर अजरबैजान की मैं बात करूं तो वो उसके साथ एक और देश आ जाता है जिसका नाम है उत्तर कोरिया। अर्मेनिया का बहुत बड़ा दावा इस बीच सामने आ रहा है। अर्मेनिया की ओर से ये दावा क्या है आइए बता देती हूँ। अजरबैजान के सैनिक अर्मेनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर अर्मेनिया का ये दावा सही है तो दोनों देशों के बीच युद्ध बस कुछ कदम ही दूर है और ऐसे में ये तनाव दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है, क्योंकि दावा ये जो किया जा रहा है इसके बिना पर वीडियोज भी जारी किए जा रहे हैं, जानकारियां भी साझा की जा रही हैं। और आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भी एक वीडियो वॉर चल रहा था। वीडियो वॉर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वीडियो जारी करके यूक्रेन जैसा देश ये साबित करने में लगा था कि कैसे रूस ने उस पर हमले किए हैं, और फिर उसके एवज में रूस ने भी कई वीडियो जारी किए थे जिसमें यूक्रेन की तरफ से भी कार्रवाई की बातों का दावा किया गया था। अर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच पूरा विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है, और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान में आता है। लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में अर्मेनिया की सेना का यहाँ कब्जा है। वैसे नागोर्नो काराबाख का विवाद 2 साल के भी कहा जा रहा है कि और पुराना है। और क्या डिटेल्स आई है मैं आपको समझाती हूँ पूरी जानकारी। दरअसल नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है और ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिस पर ईरान, अर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्तसाख के नाम से आजाद देश के तौर पर घोषित किया था। अर्तसाख के लोग खुद को अर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा भी मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की की बारी आई तो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया करता था और इसी के बाद अजरबैजान के पास ये चला गया। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई बस वहीं से शुरू हुई है और सोवियत क्रांति के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने।
झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिस पर आर्मेनिया के सैनिक अजरबैजान के सैनिकों को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं और दावा तो ये हो रहा है कि वीडियो आज सुबह का है जब अजरबैजान के सैनिकों को खदेड़ा जा रहा था। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग को रोकने के लिए इस वक्त दुनिया के बड़े देश एक्टिव हो चुके हैं और रूस की ओर से भी सीज फायर को लेकर बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही है। अमेरिका भी शांति की अपील कर रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस मामले में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ तो ये यूक्रेन की तरह ही दुनिया को दो धड़ों में बांट सकता है। क्या है इस युद्ध को लेकर समीकरण, आइए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। तो फाड़ कर देगी नई जंग। नए युद्ध की आहट से अमेरिका में हलचल, नए जंग का पुतिन कनेक्शन। दुनिया में एक जंग खत्म नहीं हो रही और दूसरी तीसरी जंग नई कतार में खड़ी हो गई है। ताइवान पर हमले के लिए चीन तारीख फाइनल करने में लगा है और इधर यूरोप में नई जंग ने दस्तक दे डाली है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर चली ये मिसाइलें नहीं बल्कि युद्ध की वो चिंगारी है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मिसाइलें आर्मेनिया के बॉर्डर पर दागी गई और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडरों के घर पर फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। अजरबैजान के हमले के 12 घंटे के भीतर आर्मेनिया अब एक्टिव मोड में आ चुका है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिनियन अब तक दुनिया के 3 बड़े नेताओं को फोन कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निकोल का फोन जा चुका है। निकोल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी फोन पर बात कर चुके हैं और इसके अलावा उनके अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से भी बात हो चुकी है। बड़े जंग की आहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा, दो देशों के बीच किसी भी विवाद का हल मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं निकाला जा सकता। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को पता है कि अगर एक बार अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग शुरू हुई तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसका ट्रेलर पूरी दुनिया 2 साल पहले देख भी चुकी है। 2 साल पहले सितंबर के महीने में जब जंग शुरू हुई तो पलड़ा अजरबैजान का भारी था, लेकिन आर्मेनिया ने अजरबैजान को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी क्योंकि आर्मेनिया को रूस और खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का खुला समर्थन हासिल है। आर्मेनिया की ओर इसी झुकाव की वजह से पुतिन ने अजरबैजान पर भी दबाव बनाया और दोनों देशों के बीच उस वक्त युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन ने बड़ी पहल भी की। अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को रूस बुलाकर पुतिन ने आमने सामने बिठाया और युद्ध विराम के लिए सहमत भी करवाया, लेकिन पिछले 2 साल में हालात काफी बदल चुके हैं। यूक्रेन के युद्ध में फंसे पुतिन की ताकत और रुतबा दोनों कम हो चुके हैं। अब पुतिन अगर चाहें तो उनके लिए जंग में आर्मेनिया का समर्थन कर पाना आसान नहीं होगा और इसी बात का फायदा अजरबैजान उठाने की कोशिश करेगा जिसे तुर्की का समर्थन भी हासिल है और तुर्की का हथियार भी। ताजा तनातनी पर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, आर्मेनिया की सेना पहाड़ों के बीच मौजूद घाटियों में लैंडमाइन बिछाने का काम कर रही है। ये वो जगह है जहां अजरबैजान की सेना की तैनाती होती है और वहां से सप्लाई रोड अलग अलग दिशाओं की ओर गुजरता है। इन सब के बावजूद आर्मेनिया के सैनिकों ने अजरबैजान के सैनिकों की तैनाती वाली जगह पर गोलाबारी की, अलग अलग हथियारों से हमले किए। नतीजा ये हुआ कि हमारे सैनिकों की क्षति हुई और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। अजरबैजान के इस बयान के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है क्योंकि आर्मेनिया ये दावा कर चुका है कि अजरबैजान की सेना उसके बॉर्डर की ओर बढ़ रही है
जिसको रोकने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा।